हिमालय में एकांत में साधना करते थे, ध्यान करते थे। शाम को अलग अलग गुफा में रहे हुए सब विद्यार्थी आते और उनको हम सत्संग शास्त्र का ज्ञान देते थे। हे राम जी, एक दिन मैंने क्या देखा कि आकाश में प्रकाश प्रकाश आ रहा है और उस प्रकाश को गौर से देखा तो भगवान चंद्रशेखर और पार्वती जी। मैंने मन ही मन अर्घ्यपाद से उनका पूजन किया, नमस्कार किया। अर्घ्यपाद से पूजन मतलब पहले चरण धोए, फिर हाथ धुलाए, फिर कुल्ला करवाया, फिर तिलक आदि किया, फिर माला वेला पहनाए और आरती बिरती के अर्घ्यपाद से पूजन बैठने को दिया। तो मैंने उनको मन ही मन तो कर दिया, फिर वो आए तो सिंहासन पर मैंने उनका पूजन किया। तो भगवान शिव जी मेरे से पूछते हैं कि मुनीश्वर, तुम्हारी तपस्या कैसी चल रही है? गंगा जी तुमको शीतल जल तो देती है ना, वृक्ष तुम्हें तमाल के वृक्ष फूल तो देते हैं ना, और दूसरे यहाँ के फल वाले वृक्ष तुम्हें फल तो देते हैं ना, कुबेर के अनुचर तुमको तंग तो नहीं करते, विघ्न तो नहीं डालते ध्यान ब्यान में? तब मैंने बोला कि एक बार शिव कहने से आदमी का कल्याण होता है, जो कल्याण की अवधि है। तो ये कल्याण स्वरूप आपके शुभ सुमरण से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई कष्ट नहीं है और सब कुशल है, मेरी तपस्या चल रही है अच्छी। लेकिन मेरी एक विनंती है कि ये पार्वती माता जी अरुंधति से, अरुंधति माना वशिष्ठ जी की पत्नी, राम जी की गुरु माता, ये पार्वती अरुंधति के साथ सत्संग करे महिलाएं महिलाएं, तो मैं आपसे अलग से कुछ प्रश्न उत्तर करूंगा। तो बुद्धिमती पार्वती जी अरुंधति के कुटिया में सत्संग के लिए गए। तो भगवान शिव जी का अभिवादन किया और शिव जी प्रसन्नता से मेरे तरफ देख रहे थे। तो मैं शिव जी को पूछा कि वास्तविक देव, वास्तविक शिव का पूजन क्या है? जो सुखों की पराकाष्ठा है, जो मंगलों की अवधि है, जो कल्याणों की सीमा है, ऐसा वास्तविक शिवदेव कौन है, कहाँ है, मैं कैसे सब लोग उसका फायदा ले? तब भगवान शिव ने कहा कि मुनीश्वर, इंद्रदेव भी वास्तविक देव नहीं है, कुबेर भी वास्तविक देव नहीं है, वास्तविक देव सबका अंतर्यामी परमात्मा आत्मा शिव ही वास्तविक देव है। और उस आत्म शिव का जो ध्यान करता है, आत्म शिव का जो ज्ञान पाता है, वो सारे मंगलों की अवधि, सारे सुखों की और ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। लेकिन जो उस अंतर्यामी आत्मदेव शिव को नहीं जानते, उनके लिए बाहर शिवलिंग की व्यवस्था की है ऋषियों ने और बिली पत्र चढ़ाए जाते, और बिली पत्र से पूजन करना अर्थात सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन गुण माया में है और वो भगवान की माया है, भगवान को अर्पण करते। पंचामृत से शिव को स्नान कराना अर्थात पंच भौतिक शरीर और वस्तुएं सब भगवत सत्ता का खेल है, ये मैं हूं और ये मेरी है, ये ममता छोड़ना ही शिव जी को पंचामृत से स्नान कराना है। सुख और दुख आ जाए उसको देखने वाला मन बनाना, ये शिव जी के आगे दिया करना है, और सब हालत में प्रसन्न चित्त रहना, ये शिव जी के आगे धूप करना है। ऐसा शिव पूजन जो करता है,
वो परम शिव तत्व को शीघ्र ही इसी जन्म के अंत होने के पहले ही पा लेता है। चार महारात्रियां हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी और शिवरात्रि। इन चार महारात्रियों का जागरण, जप और परमात्मा शिव का ध्यान चिंतन हजार गुना फल देता है। तो शिव जी की प्रसन्नता के लिए मंगल स्वरूप भगवान शिव जी कहते हैं कि ये अहोरात्रि व्रत उपवास और शांत आत्मा शिव में, और बिल्ली पत्ते नहीं मिले तो वही के वही बिल्ली पत्ते धो के चढ़ाए जा सकते। 6 महीने तक बिल्ली पत्ते वही धो धो के काम में लाए सकते। तो ऐसे कैसी सुंदर व्यवस्था है कि पत्रम पुष्पम भी आपके पास अनुकूलता नहीं तो धोकर भी चढ़ाते हो, तो उस धोके चढ़ाने में भी आपका भाव तो भगवत भाव है। इस भगवत भाव से आपका सत्य का संग होता है और असत आसक्ति और ममता शिथिल पड़ती है। तो संग तो बचपन से ही आपको मिला, बच्चों का संग, इस विद्यार्थियों का संग, पति पत्नी का संग, सासू ससुरों का संग, सहेली और दोस्तों का संग, साथियों का, सेठों का, नौकरों का संग, बड़े हो गए तो बेटे बेटियों का संग, नाते पोतियों का संग। लेकिन ये सारे संग मोह माया बढ़ाकर जीव को जन्म मरण में ले आते। उत्तम संग यह कि जिस संग से सत्य स्वरूप परमात्मा का रंग लगे और आप हर हाल में दुख से पार हो जाएं, चिंता से पार हो जाएं, भय से पार हो जाएं, अज्ञान से पार हो जाएं और जहां जाएं वह आनंद स्वरूप सुख में जगे, इसका नाम है सत्संग। अगर मनुष्य जीवन में सत्संग नहीं मिला तो बड़ी हानि हुई, बड़ी बड़ी हानि होगी। जो सत्संग नहीं करेगा वो असत संग करेगा, कुसंग करेगा, व्यर्थ संग करेगा। व्यर्थ संग की असर व्यर्थ, जैसे खरबूजा खरबूजा को देख के रंग बदलता, ऐसे ही संग का रंग लगता है। तो व्यर्थ के संग से व्यर्थ का रंग लगता है, कुसंग से कुसंग रंग लगता है, कुरंग लगता है। हाँ, लोभियों के संग से लोभ का संग रंग लगता है,